वेल, स्त्री 2 रिलीज हो चुकी है और थिएटर्स का तो क्या ही कहना। पहले दिन फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स भरी हुई थी, यानी स्त्री की तो ग्रैंड ओपनिंग हुई है। पहले ही दिन फिल्म ने रिकॉर्ड बना लिया है। आइए बात करते हैं फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में। वेलकम टू बज़ूका रिव्यूज। पिछले कई सालों से थिएटर सूना चल रहा था, ऑडियंस को फिल्में पसंद ही नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार थिएटर्स भरे हुए नजर आए। श्रद्धा और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 ने प्रभास की फिल्म कल्कि को भी पीछे छोड़ दिया है और उनसे बहुत ही ज्यादा आगे निकल गई है। वेल, फिल्म का ट्रेलर देखते ही ऑडियंस को फिल्म से एक्सपेक्टेशंस तो काफी थी ही, क्योंकि फिल्म का पहला पार्ट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसे देखकर तो साफ साफ पता चल गया था कि इसका दूसरा पार्ट और भी ज्यादा धमाल मचाएगा, और ठीक हुआ भी वैसा ही। 15 अगस्त के मौके पर फिल्म रिलीज हुई और पहले ही दिन फिल्म ने कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि स्त्री 2 ने तो एडवांस बुकिंग में ही काफी कमाई कर लिया था। ओपनिंग्स होते ही 8 लाख से भी ज्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी थी और फिल्म ने 23 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन जुटा लिया था। अब देखिए, फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई, लेकिन रिलीज के एक दिन पहले ही यानी वेडनेसडे को इसका पेड प्रीमियर रखा गया था, तो प्रीमियर में भी जम के टिकट्स बिके और यहां भी फिल्म ने अच्छा खासा 8.35 करोड़ का कलेक्शन कर दिया। और इतना तो इस साल की कई बड़ी फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन भी नहीं है जितना स्त्री 2 ने एडवांस बुकिंग और प्रीमियर से किया है। फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग की है। पहले ही दिन फिल्म ने 46-47 करोड़ के बीच कलेक्शन कर लिया है, और अगर हम इसमें प्रीमियर और एडवांस बुकिंग के कलेक्शन जोड़ ले तो फिल्म को टोटल 55 करोड़ की ओपनिंग मिली। यानी फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना दिया और ऋतिक और प्रभास की फिल्म्स की ओपनिंग डे को भी पीछे छोड़ दिया है। जनवरी में ऋतिक की फिल्म फाइटर रिलीज हुई थी, जिसने फर्स्ट डे 24.60 करोड़ रुपए कमाया, और प्रभास की कल्कि, जिसके हिंदी वर्जन ने पहले ही दिन 22.50 करोड़ रुपए कमाए। तो साफ साफ दिखता है कि स्त्री 2 ने इन दोनों ही स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। वेल, ये तो अभी शुरुआत ही है, देखते हैं स्त्री का वीकेंड कलेक्शन कितना होता है और ये फिल्म ओवरऑल कितना कलेक्शन करेगी। और आप भी ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज़।